अफसोसनाक खबर आपको दें कि सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा गुज़श्ता दो हफ्तों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। खबर दे रहे हैं आपको, सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। दो हफ्ते पहले उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उनकी कंडीशन बड़ी सीरियस हो गई और उन्हें आगा खान अस्पताल ले जाया गया। और बताया ये जा रहा है कि उन्हें ICU से CCU में मुंतकिल किया गया था कुछ रोज़ पहले ही, और अब वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। एक और सितारा इस दुनिया से कूच कर गया है, सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गई है। मरहुमा गुज़श्ता दो हफ्तों से क्रिटिकल कंडीशन में थी। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें ICU से CCU मुंतकिल किया गया था। 70 साल की उम्र में वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गई। फ़र्ज की अदायगी में फ़र्ज शनास अफसर शहीद। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस शेख स्मगलर्स और वतन दुश्मनान के हमले में ज़ख्मी होकर शहीद हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस शेख को कोयटा में स्मगलर्स ने शदीद ज़ख्मी कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ उन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खाले के हकीकी से जा मिले। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया था। उन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी, मौसर कार्रवाई की थी, कामयाब कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन पर हमला किया गया था। कोयटा में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान फ़र्ज शनास अफसर शहीद हो गए हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस शेख स्मगलरों और वतन दुश्मनान के हमले में शदीद ज़ख्मी होकर शहीद हो गए।